हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर एक व्हाट्सएप का फोटो देखा, अभी आप वो स्क्रीन पर वो व्हाट्सएप देख रहे होंगे। अगर आप भी उसी तरह के व्हाट्सएप को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे व्हाट्सएप के बारे में बताऊँगा जिसका डिज़ाइन बिल्कुल उसी तरह है जो कि आपने थंबनेल पर देखा। तो दोस्तों, जब भी आप इस व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे किसी के भी सामने, तो आपके सामने वाला जो भी आपको व्हाट्सएप देखेगा वो आपको यह बात जरूर बोलेगा कि आप व्हाट्सएप पर बहुत बढ़िया लग रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी आप इस व्हाट्सएप को यूज़ करेंगी तो आपके सामने वाला जो भी इसे देखेगा वो आपसे ज़रूर बोलेगा तुमने इसे कहाँ से डाउनलोड किया, कहाँ से इसके डिज़ाइंस लिए, तो और भी बहुत कुछ। तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस व्हाट्सएप और थीम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नॉर्मल व्हाट्सएप को ओपन करना है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों थ्री डॉट्स में क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स में आना है, चैट्स में आने के बाद दोस्तों चैट बैकअप में आ जाना है। वहां पर दोस्तों आपको सिंपली बैकअप पे क्लिक कर देना है जिससे आपके सारे मैसेजेस बैकअप हो जाए और आपके सारे मैसेजेस सेव हो जाए। अब दोस्तों आपको वापस बैक आना है और अपने नॉर्मल व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, अब जैसे ही आपका व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाए, मैं आपको एक लिंक दिया हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप न्यू अपडेटेड व्हाट्सएप को डाउनलोड कर ले। तो दोस्तों, मैं अपने न्यू अपडेटेड व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेता हूँ। देख सकते हैं हमारा जो न्यू अपडेटेड व्हाट्सएप है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद दोस्तों एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों अपना फोन नंबर डाल के वेरीफाई कर लेना है। तो नंबर वेरीफाई कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों ध्यान से आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, आपको सिंपली दोस्तों रीस्टोर पे क्लिक करना है जिससे आपके सारे मैसेजेस रीस्टोर हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे हल्का वेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो मेरा मैसेजेस है वो रीस्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा रीस्टोर कर लेता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं रीस्टोर हो जाता है, उसके बाद मेरा नाम पूछता है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना नाम को टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो व्हाट्सएप है कुछ इस तरह का ओपन हो जाएंगे। आप देख ही सकते हैं आपका जो व्हाट्सएप है कुछ इस तरह का मैं दिख रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे हल्का ध्यान से। जैसे ही दोस्तों आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाए, आपको दोस्तों सिंपली सेटिंग्स बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जनरल सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको थीम्स में आना है और लोड थीम पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैं आपको एक थीम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर आप उस लिंक को ओपन कीजिएगा। वहाँ से मैंने थीम का लिंक दिया, आप उस थीम को डाउनलोड कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, फिर आप उसे के फोल्डर को ओपन करके आप उस थीम को, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप इस थीम पे क्लिक करेंगे, आपका जो व्हाट्सएप है कुछ इस तरह का आप में व्हाट्सएप में मैजिक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया हो चुका है। यहाँ पर आपको एक वॉच भी देखने को मिल रहा है और जो यहाँ पर स्टेटस लगे हुए हैं आपको यहीं पर डायरेक्ट स्टेटस भी शो हो रहे हैं, जो कि आपको दोस्तों नॉर्मल व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, और मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता दें। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाता है बल्क सेंटर। इसका मतलब दोस्तों आप किसी भी मैसेज को 50,000, 10,000, 50,000 कितने भी आप दोस्तों कितने भी टाइम्स उसे आप भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है क्विक रिप्लाइज। इससे मतलब दोस्तों, जैसे ही आपको कोई भी मैसेज करता है हाय, तो आप सेट करके रखेंगे कि कोई भी आपको मैसेज करे हाय तो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप सेंड कर देगा हेलो। तो ये बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो फॉरवर्ड शेड्यूल। इसका मतलब दोस्तों, अगर आप रात को 12 बजे किसी को मैसेज करना चाहते हैं या फिर किसी का बर्थडे है, आप उसे विश करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में बस आप मैसेज टाइप करके आप टाइमर लगा दीजिए, ये ऑटोमेटिक दोस्तों सोते सोते ये मैसेज सेंड कर देगा। उसके बाद दोस्तों ऑटो रिप्लाई, इससे दोस्तों आप किसी भी मैसेज का ऑटोमेटिक रिप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है सेटिंग्स में। ऐसे दोस्तों आप सेटिंग्स में आ जाए, वहां पर दोस्तों आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना है। यहां पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज लास्ट सीन, आप इसकी मदद से दोस्तों अपने लास्ट सीन को फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबल फॉरवर्डेड, आप इसकी मदद से दोस्तों अपने रीसेंट मैसेजेस को फॉरवर्डेड किए हुए उसे आप डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हु कैन कॉल मी कस्टम प्राइवेसी, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हाइड व्यू स्टेटस, आप इसकी मदद से दोस्तों आप किसी के भी स्टेटस को देख लेंगे लेकिन उसे नहीं पता चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है अगर आप इसे ऑन कर लेंगे तो। उसके बाद दोस्तों एंटी डिलीट स्टेटस, अगर कोई भी स्टेटस डिलीट कर देगा लेकिन आपके फ़ोन से वो स्टेटस डिलीट नहीं होगा लेकिन उसे भी नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी के भी स्टेटस को बिना डिलीट किए देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एंटी डिलीट मैसेजेस, अगर दोस्तों मान लीजिए कोई सामने वाले से आप चैटिंग कर रहे हैं, उसने आपको मैसेज भेजा और उसने और मैसेज को डिलीट कर दिया, आप उस नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे तो आप उस डिलीट किए मैसेज को आपके व्हाट्सएप से वो डिलीट नहीं होगा, आप उसे बड़े आसानी से पढ़ सकेंगे। उसके बाद दोस्तों सो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई, इसका मतलब दोस्तों जब तक से आप किसी को भी रिप्लाई नहीं देंगे उसे ब्लू टिक्स मैसेजेस पर नहीं दिखेंगे अगर आप इसे ऑन कर लेंगे तो।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप, ब्रॉडकास्ट ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप लॉक, यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक, पैटर्न, पिन, कोई सा भी आप लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है बाहर और चलते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन पे। जैसे दोस्तों आप ओवरऑल कलर्स एंड बैकग्राउंड्स में आते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे दोस्तों आप किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे, आप उसका कलर चेंज कर सकेंगे बड़े आसानी से। उसके बाद दोस्तों आप बैकग्राउंड पे फोटो, कलर कुछ भी लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ से बड़े आसानी से कलर बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी बैकग्राउंड कलर को यहाँ से आप सेटिंग से करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों और सेटिंग्स। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे होम में आते हैं, यहाँ पे आप टॉप टैब पे आते हैं, वहाँ पर आपको दोस्तों इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज, आपको दोस्तों इंस्टाग्राम की तरह आपको व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे स्टेटस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप उसके डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं। तभी मेरे को दोस्तों स्टॉक में ही रखना है इसलिए मैं स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बॉटम टैब व्यू, आप यहाँ से दोस्तों जो व्यू है आप उसे सेलेक्ट करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों होम यूआई स्टाइल, यहाँ पे दोस्तों बेसिक टेब स्टाइल है, आप यहाँ से दोस्तों वन यूआई कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूआई कर सकते हैं और भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सेट माय नेम, व्हाट्सएप के बदले डी योवा के बदले आप जब इसे टिक करेंगे तो आपका जो नेम है वो टॉप टैब पे दिखेगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे इसके नीचे स्टेटस दिख रहा है बिजी, जैसे दोस्तों आप इसे टिक करेंगे वो बिजी हाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है शो लाइट नाइट मोड, जैसे दोस्तों आप इसे टिक करेंगे आपका शो लाइट नाइट मोड आ जाएगा लाइट मोड। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइड सर्च आइकन, जैसे दोस्तों आप इसे टिक करेंगे आपके होम स्क्रीन से सर्च आइकन हाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डिसेबल क्लिकिंग ऑन व्हाट्सएप, जैसे दोस्तों आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं वहाँ पर आपको एक लॉक पूछा जाता है, अगर आप इसे दोस्तों टिक कर देंगे वो लॉक हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप पढ़ेंगे आप खुद समझ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इसके अगले सेटिंग्स पे, लिस्ट रो, यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं बड़े आसानी से, यहाँ पर सारे नेम्स लिखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं और सेटिंग पे, होम व्यू, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पर आपको होम क्लॉक, कलर का बैकग्राउंड दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं। जो क्लॉक आपके होम स्क्रीन पे दिखते हैं आप वहाँ पे उसके सारे कलर्स, बैकग्राउंड सब चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे सेकंड है क्लॉक का, आप उसका जो सेकंड का हैंड का कलर है उसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अगले सेटिंग्स पे, अदर्स पे, और भी यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे दोस्तों आप सेट हाय बॉस लिखा हुआ है हमारे होम स्क्रीन पे, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों हाय अनमोल कुमार लिखना चाहूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ हाय अनमोल कुमार। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हाय अनमोल कुमार मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं और हम अपने होम स्क्रीन को एक बार देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आप हाय अनमोल कुमार लिख लेंगे, हाय बॉस के बदले हाय अनमोल कुमार आपकी होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप इस तरह से दोस्तों अपने होम स्क्रीन का भी नेम को चेंज कर सकते हैं। अदर्स में आते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट और करियर नेम टू, एंजॉय योर लाइफ जो आपको सेकंड में लिखा हुआ है, अगर आप इसे भी चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों चेंज करके दिखा दूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने स्मार्ट इंडियन आइडियाज लिखा है, उसके बाद मैं जैसे ही ओके पे सेट कर देता हूँ और मैं आपको दोस्तों होम स्क्रीन पे ले चलता हूँ। जैसे दोस्तों आप सेव करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हाय अनमोल कुमार स्मार्ट इंडियन आइडियाज, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ से बड़े आसानी से नेम को भी चेंज कर सकते हैं। जानते हैं इसके और अगले फीचर। जैसे दोस्तों आप इसके साइड बार में आएंगे यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको दोस्तों जैसे ही आप सेटिंग प्लस पे क्लिक करेंगे आप फिर से सेटिंग्स में आ जाएंगे और दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे होम बटन पे थे यहाँ पर आपको अदर्स में मैंने आपको दिखा दिया, आप यहाँ से दोस्तों नेम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं बटन फैब, यहाँ पर भी दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज, जैसे आप दोस्तों 5 मिनट स्टेटस को आप टिक कर लेंगे आप जो स्टेटस है वो 5 मिनट तक का लगा सकते हैं, जो कि आप दोस्तों नॉर्मल व्हाट्सएप में 30 सेकंड का ही लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ड्रॉल म्यूजिक, यहाँ पर दोस्तों आपको जो म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है इस व्हाट्सएप में, जो कि मैं आगे मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, आप उसके सारे कलर्स बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जनरल सेटिंग्स, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट नेम, ओपन डायलॉग, फॉरवर्डेड सेटिंग। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पे कन्वर्सेशन पे, यहाँ पे दोस्तों एक्शन बार, यहाँ पे जैसे ही दोस्तों ये आप अनटिक करेंगे आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है चैट में वो दिखने लगेगा, जैसे दोस्तों आप इसे टिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा। आप इस तरह से दोस्तों आप किसी के भी प्रोफाइल पिक को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नेम को हाइड करना चाहते हैं इसे टिक कीजिए। उसके बाद कॉल बटन भी हाइड हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद डिसेबल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट, डिसेबल कॉन्टैक्ट स्टेटस, आप यहाँ उसके स्टेटस को भी हाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन टूल बार, यहाँ से आप टूल बार को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेटस आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। उसके बाद कलरिंग, बैकग्राउंड कलर, सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पे एक बार में सेलेक्ट करके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों बबल्स एंड टिक्स, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टिक को चेंज करना चाहें तो टिक को भी चेंज कर सकते हैं, एलियन हो गया देख ही सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बबल्स, यहाँ पे दोस्तों आप बबल सेलेक्ट कर लीजिए आप किस टाइप के मैसेज को सेंड करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक रेड ऑप्शन ले लेता हूँ iOS, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब हम आते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपको हम आ जाते हैं कन्वर्सेशन एंट्री स्टाइल में, यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ से दोस्तों उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, iOS सेलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं बैकग्राउंड्स पे, कलरिंग्स पे, यहाँ पर दोस्तों आप किसी के भी कलर को चेंज कर सकते हैं बड़े आसानी से जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे चैट कॉन्टैक्ट फोटो, यहाँ पर दोस्तों आप जो भी आप मैसेज सेंड करेंगे वहाँ पर आपके मैसेज का प्रोफाइल पिक शो होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। हम आ जाते हैं अगले सेटिंग्स पे मोर ऑप्शन पे, जैसे दोस्तों मोर ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पर दोस्तों हम आ जाते हैं इमोजी हेडर कलर पे, उसके बाद वॉइस नोट प्ले बटन, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आप यहाँ देख ही सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शो हाइड क्विक कॉन्टैक्ट अटैचमेंट पिकर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो विजेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, कॉन्टैक्ट नेम, कलर है, कॉन्टैक्ट स्टेटस, टेक्सचर है, ये सब आप दोस्तों एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं इसके कलर्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टाइल्स एंड शेड्स, यहाँ पर दोस्तों आप जो फॉन्ट का स्टाइल है यहाँ से किसी भी फॉन्ट को हैंडराइटिंग को सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉन्चर आइकन्स मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लॉन्चर आइकन किसी भी लॉन्चर आइकन को सेलेक्ट करेंगे वही आइकन अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ आइकन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेनबो कलर टाइप है। उसके बाद दोस्तों ये आइकन अप्लाई हो गया है, मैं अपने इस ऐप को स्लाइड मार देता हूँ। जैसे दोस्तों इसे स्लाइड करते हैं हमारा जो व्हाट्सएप है फिर से ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा व्हाट्सएप है उसका जो लॉन्चिंग आइकन है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगर हम फिर से वहाँ पर जाते हैं जैसे कि दोस्तों स्टाइल्स एंड शेड्स में, यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन आइकन, जैसे दोस्तों आप नोटिफिकेशन आइकन भी सेलेक्ट करके चेंज कर देते हैं, पिंक कर देता हूँ दोस्तों, तो आपका जो नोटिफिकेशन भी आएगा वो भी पिंक कलर में आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे, दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन अदर्स, जैसे दोस्तों आप अदर्स ऑप्शन में आएंगे यहाँ पर आपको बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों प्लस सेटिंग मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तों आप ऐप का, व्हाट्सएप का, सेटिंग का, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉरवर्ड लिमिट, जैसे दोस्तों आप जानते हैं नॉर्मल व्हाट्सएप में आप एक बार में 5 लोगों को ही सेंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को टिक कर लें तो आप एक ही बार में 250 लोगों को एक साथ सेंड कर सकेंगे। तो अभी दोस्तों मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे को इसे सेंड नहीं करना है, किसी भी कोई भी मैसेज नहीं सेंड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, अगर जिसे दोस्तों आप इस इन तीनों ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो आप ये फोटोज, वीडियोस, गिफ्ट्स जो भी है आपके गैलरी से सारे गायब हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अदर ऑप्शन पे, उसके बाद दोस्तों हम अदर ऑप्शन से बाहर आते हैं, यहाँ पर फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिस्ट चेंजेस, यहाँ पर दोस्तों आपको सारे अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, अबाउट में भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इसके होम स्क्रीन पे और जानते हैं इसके कुछ और फीचर्स। जैसे दोस्तों आप होम स्क्रीन पे आएंगे यहाँ पर जैसे ये दोस्तों आप इस तरह स्लाइड करेंगे आपके फ़ोन में जितने भी म्यूजिक्स डाउनलोड होंगे आपके सारे म्यूजिक्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे आ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दोस्तों किसी भी म्यूजिक को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो म्यूजिक है वो प्ले हो चुका है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो म्यूजिक है वो प्ले हो रहा है, अगर आप इस म्यूजिक को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो म्यूजिक है वो स्टॉप हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं अगर आप किसी भी म्यूजिक को प्ले करना चाहेंगे तो आप यहाँ से प्ले कर सकेंगे, अगर आप उस म्यूजिक को स्टॉप करना चाहेंगे तो यहाँ से आप स्टॉप कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों यहीं से आप दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है म्यूजिक चेंज का, जैसे दोस्तों आप म्यूजिक चेंज करेंगे तो यहीं से आप दोस्तों म्यूजिक चेंज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके अगले, तो अगर आप फिर से इसके साइड बार में आएंगे यहाँ पर आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट, चैट, अचीव, सेटिंग, सेटिंग प्लस की भी ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी के भी स्टेटस को क्लिक करेंगे या DP को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जो कि आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं दिखता है, नॉर्मल व्हाट्सएप में एकदम नॉर्मल दिखता है, ये है एकदम न्यू अपडेटेड व्हाट्सएप, तो इसलिए आपको इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं इसके अगले फीचर, यहाँ पर दोस्तों आपको 3 बटन्स मिलते हैं। अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नंबर शो हो जाता है और यहाँ पे आपको 5 अदर ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं आप सेटिंग्स में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे आप तीसरे बटन पर दबाते हैं तो ये बताता है कि न्यू अपडेट आने वाला है DOA का। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं इसके अंदर के सेटिंग, जैसे दोस्तों आप अंदर आएंगे किसी के भी चैट के तो यहाँ पर आपको दोस्तों
दो बटन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप जैसे ही दोस्तों दूसरे बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलता है, इमोशन, फैंसी टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो सेट। जैसे दोस्तों आप फिर से स्टोर बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन मिलते हैं, टेक्स्ट इमोशन, टेक्स्ट रिपीटर, टेक्स्ट क्रिएशन, टेक्स्ट स्टाइल, ब्लैंक टेक्स्ट, ट्रांसलेट, टेक्स्ट कस्टम, टेक्स्ट फैंसी। आप इनमें से दोस्तों जैसे भी किसी को भी क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलग ऑप्शन एक मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट को लिख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये उसका डिज़ाइन बिल्कुल दोस्तों चेंज कर दे रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, हल्का ध्यान से देखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट रिपीटर मिल जाता है, आप कोई सा भी मैसेज जैसे लिख दीजिए हाय और आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए 100 टाइम्स, और यहाँ पे दोस्तों आप इस न्यू लाइन को सेलेक्ट कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हाय हाय हाय, यहाँ पे हाय वाला मैसेज है दोस्तों 1000 टाइम्स हो चुका है। ये सारे आपको फीचर्स इसमें मिलते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे फीचर्स पसंद आया होगा। अगर ये सारे वीडियो फीचर्स सब की चीज़ आपको पसंद आया होगा और ये व्हाट्सएप का न्यू डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और कोई भी सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।